हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हो गए हम थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा भी निवेश ठीक से ही है। 7 बज के हो चुके 41 मिनट और अभी करते हैं हम डिवाइस को ऑन। आज देखते हैं हमारी कितने की अर्निंग होती है। 2-3 दिन से मामला ऐसे ही चल रहा है, बाकी है मीडियम सी हो ही जाती है, कोई ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो आज देखेंगे ऑल ओवर में कितने का काम होगा और कहाँ कहाँ आज हम जाते हैं, कैसी कैसी राइड आती है, क्या फेयर मिलेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिवाइस हो चुका ऑन। ओके, तो गाइस अभी हूँ मैं मुरथल। देखा 7:45 बजे ड्यूटी ऑन करी थी, उसके 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद 1 घंटा छोटी मोटी ड्यूटी बज रही थी, बहुत छोटी मोटी, 100-200 मैंने नहीं उठाई। फिर मेरे को एक लंबी बुकिंग मिली, ये सोनीपत की, मुरथल से थोड़ा ही पहले है बस। बाकी मैंने पकड़ ली, 53 किलोमीटर था और उसका मेरे को दिया इसने 630 रुपये, तो मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ के जैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तुरंत मेरे को यहीं से एयरपोर्ट की बुकिंग मिल गई। तो कभी कभी ऐसा मौका फंस जाता है। अभी हूँ मैं ये यूनिवर्सिटी से, विद्यालय से, तो मैं इसीलिए थोड़ा लंबी ड्यूटी पर कर लेता हूँ एक्चुअली। मगर लंबी जब लंबी जाएगी तो जब भी तो कोई लंबी बुकिंग आएगी यार। लोकल में दिल्ली में अपना तेल फूंकते रहो, तेल के साथ साथ खून फूंकते रहो, छोटी छोटी बुकिंग, ट्रैफिक जाम। अभी इस बुकिंग को छोड़ने में मेरे को तकरीबन आधा घंटा, वो 1.5 घंटा मान लो कि लगा है। अब 1.5 घंटे में अब ये देखो 650 रुपये बन गए और इधर से तुरंत मिल गई। लेकिन इसमें एक रिक्स होता है कि वापसी की मिले ना मिले। अभी देखो, और ये भी पिकअप है थोड़ा 4 किलोमीटर, लेकिन 4 किलोमीटर भी 9 मिनट में हो जाएगा। करते हैं पिकअप और चलते हैं। बाकी ये जो दिखा रही है एयरपोर्ट की जो बुकिंग आई है, ये दिखा रहा है मेरे को फेयर तकरीबन 950 के समथिंग दिखा रहा था। अब देखो कितना देगा, लेकिन अगर 750 नहीं 700 भी देगा तो भी बहुत होगा, कोई दिक्कत नहीं, उठाते हैं चलते हैं। थोड़ा सा नज़ारा लीजिए भाई, दिल्ली के ट्रैफिक में तो डेली घूमते हैं। अब थोड़ा यहाँ का भी देखिए कैसा मौसम है, मज़ा है। तो इसलिए थोड़ा सा लंबी बुकिंग पकड़ लेता हूँ क्योंकि थोड़ा जाम से छुटकारा मिल जाता है, और बड़ी बड़ी सी बुकिंग आए तो कुछ लगता भी है। हालाँकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि ये इधर उधर डब फेंक देता है, फिर फंस जाते हैं, बुकिंग मिलने की संभावना नहीं होती है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है भाई। दिख रहे हैं जो ये अपार्टमेंट, इन्हीं में से है बुकिंग, देख सकते हैं। ओके, तो मैं यही होता है लंबी बुकिंग में, कभी कभी फंस जाते हैं, कभी कभी चलाने वाला में मजा आता है भाई, खाली रोड पड़े या सूत जाओ और ऐसे ही, इसलिए लंबी बुकिंग पकड़ते हैं थोड़ी। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं टर्मिनल 2 और आपने देखा मेरे को राइड आ गई थी सोनीपत से सीधा टर्मिनल 2 की, और जिसका किलोमीटर था, आप यहाँ पे देख लीजिए, किलोमीटर था उसका 67, इसमें बल के 64 दिखा रहा है, और कस्टमर का बिल बना 1045 और मेरे को दिया ना 741 रुपये प्लस 100 रुपये MCD, बाकी ये है। तो आज जैसा थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेट इतना भी नहीं, और बैक टू बैक बुकिंग आ गई, लंबी बुकिंग जाने का आज फायदा हो गया है। और जैसा कि आज समय हो चुका है 12:45, 12:45, तो उस हिसाब से 12:45 के हिसाब से काम बहुत अच्छा हो चुका है। अभी खाते हैं खाना वाना खा के फिर CNG का देखेंगे और फिर करेंगे डिवाइस ऑन। अभी एयरपोर्ट से धीरे धीरे चल के आ गए हम एरो सिटी की तरफ, और अभी कोई बुकिंग नहीं, कहीं से कहीं तक कोई बुकिंग नहीं है इंजन को। गाइस एयरपोर्ट से मैं आ गया था वसंत कुंज से, मेरे को एक राइड आई इंडिया गेट की जो थी 19 किलोमीटर की, और जिसका मेरे को मिला 196 रुपये। अभी मैं हूँ इंडिया गेट में, और ये थे नाइजीरियन वेस्ट इंडीज जिसको बोलते हैं, कुछ लोग हफ्सी भी बोलते हैं। ये स्वेब भाई की बुकिंग है, ये हफ्सी लोग जो है ज़्यादातर
सुहेब भाई की गाड़ी में जाते हैं। तो अभी हूँ मैं इंडिया गेट पे, यहाँ पे छोड़ दिए बुकिंग, देखता हूँ कोई यहाँ से मिल जाए सही सी। आ तो रही है लेकिन 8-8 रुपये किलोमीटर वाली, जिसका 25 किलोमीटर का 220 रुपये। तो गाइस आइसक्रीम खाओ पहले। तो ये नहीं, अभी आ चुका हूँ मैं मॉडल टाउन में। एक मेरे को राइड मिल गई थी इंडिया गेट से रैपिडो की, जिसका बिल बना 221 रुपये। और ये है मॉडल टाउन। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं नोएडा में, वहाँ से मिल गई थी मेरे को मुखर्जी नगर से नोएडा की। और किलोमीटर में बताऊँ आपको, वो बुकिंग थी कितने किलोमीटर की, 44 किलोमीटर की। देखो क्लियर दिख रहा है, 44 किलोमीटर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। और इसमें कितना दिखा रहा है, 38 किलोमीटर। और 38 किलोमीटर भी ये ब्लैंक थी, फेर दिखा नहीं रहा था, मैंने इसलिए उठा ली। मैं कहा चल यूपी टोल तो मिलेगा ही, फेर पैसे ना दिखाए, अब मैं कहा चलो ठीक ही देगा। इसने दिया मेरे को 42 किलोमीटर का, हालांकि 38 दिखा रहा है, 344 रुपये प्लस 120 रुपये टोल। मतलब अगर टोल वोल भी इनने सब इसी में राइड में ही जोड़ दिया, 45 किलोमीटर की ये राइड थी और इन्हें टोटल ही मेरे को टैक्स सहित 466 रुपये दिए। तो ये घपले कर रहा है क्या बताए, ना उठाए तो मुसीबत, क्योंकि कब तक ना उठाए, ये ब्लैंक ब्लैंक देनी शुरू कर देता है जिसमें फेरी नहीं दिखाता, अब उठानी तो पड़ती है। अब ये देखो मैंने चलते ही स्क्रीन शॉट ले लिया था, 44 किलोमीटर और 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा था। और फिर देखो क्या बताए, बस अभी है नोएडा में, यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है और फिर बताएंगे आपको। तो गाइस आपने देखा मैं नोएडा था एक मूर्ति पे, और 2 घंटे वहाँ से ऐसे ही बर्बाद करके सैनिक फरार, तो मैं घूमता आ लिया था सेक्टर 31, नोएडा सेक्टर 31, लेकिन वहाँ भी आके कुछ नहीं मिला। फिर मैंने क्या करा, हाँ सेक्टर 31 से मेरे को एक न्यू यहाँ की मिली डिफेंस कॉलोनी की, छोटी सी थी, मैंने उठा ली। मगर कोई बात नहीं, जैसी भी है, बस कम से कम टोल तो आएगा, तो मैंने इसलिए करके वो उठा ली। और वो थी 15 किलोमीटर की, जिसको मेरे को दिया 177 रुपये प्लस इसमें 100 रुपये का मेरे को MCD टोल दे दिया। ये रहा। तो अभी हूँ मैं डिफेंस कॉलोनी, अरे लाइट भागी क्या, अभी हूँ मैं डिफेंस कॉलोनी, अब देखता हूँ यहाँ से कोई मिलती है तो ठीक, मिलेगी तो नहीं मैं सीधा अब जा घर की तरफ को चल रहा हूँ। और समय देखो, एक्चुअली फाइनल जब ही बताऊँगा, अभी समय वैसे 9:30 हो चुका है, लेकिन ड्यूटी जब ख़त्म हो जाएगी घर पहुँच जाऊँगा जब बताऊँगा कितने घंटे काम करा और क्या टोटल हिसाब बैठा। तो गाइस डिफेंस कॉलोनी से मेरे को एक बुकिंग आ गई थी, जो थी उत्तम नगर की और महावीर इनक्लेव पार्ट 2 की थी, जिसका किलोमीटर था 20, इसमें दिखा रहा है 18 और 212 रुपये इसने मेरे को दिए। ये लास्ट बुकिंग थी अपनी। अब आ चुके हम घर, आज का काम एक्चुअली बताऊँ तो कितना, अब देख सकते हैं 2321 इसमें ओला में और 221 रैपिडो में, तो मतलब 2450-2450 रुपये का टोटल काम हुआ है, जिसमें कि CNG हमारी वही 600-650 रुपये की CNG फूकी है, क्योंकि गाड़ी रनिंग इतनी होती है, AC चलता रहता है दिन भर, तो गाड़ी की CNG तो फूकनी है। और गाड़ी रनिंग ड्यूटी में हो रही हो या वैसे हो रही हो, अब देखो नोएडा में भी मैं कितना ऐसे ही खाली आया हूँ, तो अब इसमें 600 रुपये की CNG लगा के निकाल के बचे 1800 रुपये। 1800 रुपये में अब अपना अपनी गाड़ी के हिसाब का, सबका खर्चा अलग होता है, सबकी किस्त अलग होती है, वो उस हिसाब से देख लेना। मेरा तो मैंने बता ही रखा 1200 रुपये गाड़ी का खर्चा, EMI का, VMI का, ये सब चीज़ जोड़ रखा मैंने, बाकी बचे 600 रुपये। ये देखो के और घंटे समय बता दूँ मैं, तकरीबन मतलब 7:45 मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 7:45 छोड़ो, मैं 8 बजे को ही मानता हूँ, 8 बजे अगर मैंने स्टार्ट कर दिया था, अभी है समय 10:30, 10:30 बज चुके हैं, तो हो चुका है ये हमारा 14.5 घंटे का काम,
अब ये देखो 14.5 घंटे में आदमी क्या कमा ले, क्या बचा ले। आज तो बहुत ही ज्यादा है। और जो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर वे लंबी बुकिंग ना आती मेरे पास, जो मैंने फरीदाबाद की मारी, वहाँ की मारी सोनीपत की और एयरपोर्ट की, अगर वे लंबी बुकिंग ना आती तो आज क्या होता। क्योंकि सुबह भाई भी कह रहे थे कि सुबह भाई से बात हुई थी, उन्हें भी एक राइड इन करे 500 रुपये की सीएनजी डलवाई थी, 500 रुपये का काम करके घर जा चुका हूँ। आज उनका भी मूड ऐसे ही रहा, काम नहीं था। काम खराब होता तो मूड भी खराब रहता है, काम अच्छा हो जाए मूड भी अच्छा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड बाय, बाय बाय। अब ये देखो, अब जाएंगे घर। अभी भी मेरे को तकरीबन सीएनजी डलवा के जाने में घर आधा घंटा प्लस ही लग जाएगा, आधा घंटे से ऊपर ही। 11:15 बजे जाके मैं घर जाके सोऊंगा, और सोऊंगा नहीं फिर उसके बाद एडिटिंग करूंगा, ये सब चीज़ करने में 12-1 बजे ऐसे सोता हूँ, और सुबह ही फिर उठ कर वही काम। तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड बाय, बाय बाय।